हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी कैम। तो लास्ट लेक्चर मैंने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था, तो मैंने आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ पे मैंने ख़त्म किया था लेक्चर, तो आज वहीं से कंटिन्यू करूँगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो हमारी होती हैं वो हमारी बल्क मैटर से अराइज होती है, जो हमें बल्क मैटर से मिलती है। ठीक है, जैसे हमारा मान लेते हैं कि टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सब, जैसे मान लो टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है। मतलब देखो, टेम्परेचर जब मैंने बताया था, टेम्परेचर जब हम लोग मेजर करते हैं तो एक पूरे वाटर मॉलिक्यूल का करते हैं, इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल का नहीं करते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का क्या यूज है? तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम लोग स्पेसिफाई करके हम लोग डिस्क्राइब करते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम को। स्टेट ऑफ द सिस्टम बता सकते हैं, सपोज कीजिए स्टेट ऑफ सिस्टम अगर आपसे कोई पूछ ले, तो स्टेट ऑफ सिस्टम को कैसे डिफाइन करोगे आप? स्टेट ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग, देखिए कॉपी लेके बैठिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है, बाय स्पेसिफाइंग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, सर्टेन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ये सबको हम लोग स्पेसिफाई करके स्टेट ऑफ द सिस्टम बता सकते हैं। और हमारा जब भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, जैसे टेम्परेचर प्रेशर में चेंज आएगा, तो स्टेट ऑफ द सिस्टम भी चेंज करेगा। स्टेट ऑफ द सिस्टम भी चेंज करता है, जैसे ही मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आप चेंज करते हो, हमारा स्टेट ऑफ द सिस्टम भी चेंज करता है। तो इसी से फिर आता है स्टेट फंक्शंस, पाथ फंक्शंस। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है? देखो, स्टेट फंक्शंस की बात करते हैं, तो स्टेट फंक्शंस वो होते हैं जो हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है वो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि वो तुम्हारा स्टेज कैसे रिच हुआ है। ठीक है, सपोज कीजिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि ये आप अभी अभी आप यहाँ नीचे खड़े हो और ये आपकी घर की छत है। ठीक है, अभी आप यहाँ हो और आप नीचे से जब ऊपर की तरफ जाओगे छत पे, ये छत और घर की मतलब नीचे से ऊपर की हाइट को एच से डिनोट कर देते हैं, तो तुम टेरेस पे हो, ये तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर है। तो तुम अगर ग्राउंड फ्लोर से टेरेस पे जाते हो, या तो तुम पैदल सीढ़ियों के थ्रू जाओ या फिर तुम लिफ्ट ले लो। ठीक है, तुम लिफ्ट से जाओ, सीढ़ियों से जाओ, एच पे कोई फर्क नहीं आएगा, हाइट उतनी ही रहेगी। या तो तुम उड़ के चले जाओ या फिर तुम लिफ्ट में चले जाओ या तुम सीढ़ियों से चले जाओ, हाइट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हाइट हमारा है ये स्टेट फंक्शन है, हमारा इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है। अगर दो मंजिला छत है तो हाइट चेंज होगी, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है ये प्रॉपर्टी, हाइट जो है। तो वैसे फंक्शंस जो हमारे इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम, उसमें मतलब नहीं होता कि किस पाथ से तुम फॉलो करके वहां तक पहुंचे हो, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। जैसे हमारे बहुत सारे थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये तो हमारा एच थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो मैं एग्जांपल के लिए आप लोगों को बताया हूँ। जैसे मान लो अगर इंथैल्पी बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, देखो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, जिसको इंथैल्पी को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बहुत सारा है, डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, ये एक इंट्रो पार्ट चल रहा है अभी। तो देखो, ये स्टेट फंक्शन हो गया, अब बात करते हैं पाथ फंक्शन की। पाथ फंक्शन क्या होता है? तो पाथ फंक्शन से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वहाँ पे पाथ पे डिपेंड कर रहा होगा। देखो, बहुत सारे एंट्रेंस पेपर में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से स्टेट फंक्शंस हैं, कौन कौन से पाथ फंक्शंस हैं, चार ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, पाथ फंक्शन वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं कि तुम कौन से पाथ से पहुँचे हो। हीट, जिसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, हीट एंड वर्क, जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये दोनों हमारे पाथ फंक्शन हैं। हीट एंड वर्क पाथ फंक्शन है। सपोज करो कि तुम्हें यहाँ से यहाँ तक जाना है, एक पाथ हमारा ये है और एक पाथ हमारा इस तरीके का पाथ है। ठीक है, तो तुम यहाँ पे जो यहाँ तक पहुँचोगे, जो वर्क करोगे,
और यहाँ पे जो वर्क करोगे यहाँ पे ज़्यादा होगा ना, क्योंकि देखो किस तरीके से पाथ फॉलो कर रहे हो तुम, यहाँ का वर्क ज़्यादा होगा। इसीलिए हिट को और वर्क को पाथ फंक्शन बोला जाता है। हिट और वर्क पाथ फंक्शन है, ये इनिशियल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ से यहाँ पहुँचोगे वर्क डन अलग होगा, यहाँ से यहाँ पहुँचोगे वर्क डन अलग होगा। इसीलिए हिट और वर्क को पाथ फंक्शन बोला जाता है, जिसको अच्छा एक और आप लोगों को बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ जो कि बहुतों को नहीं पता होती है। जो भी हमारा पाथ फंक्शन होता है ना, उसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, और जितने भी हमारे स्टेट फंक्शंस होते हैं उसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। जितने भी तुम्हारे पाथ फंक्शन हैं उनको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, और जितने भी स्टेट फंक्शंस हैं उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। देखिए साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं, साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। देखो बहुत अच्छे से इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। देखिए पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, इट कैन बी आइदर इन हीट फॉर्म और वर्क फॉर्म। ठीक है, एक्सचेंज होता है एनर्जी का, तो या तो वो हीट के फॉर्म में चेंज होगा या फिर एनर्जी वर्क के फॉर्म में चेंज होगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए अगर आपके पास अगर सिस्टम और सराउंडिंग दो है, यहाँ हमारा सिस्टम है और ये हमारा सराउंडिंग है। ठीक है, तो देखो हीट का फ्लो कब होता है, किसी चीज का भी कब फ्लो होगा, डिफरेंस जब कहीं पे कुछ आता है तभी तो फ्लो होता है। सपोज करो आप पानी की टंकी यहां तक भरे हुए हो, पानी की एक टंकी यहां तक है टैंक पानी का, और एक हमारा यहां इस लेवल पे है, तो वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा, जिस पे हायर लेवल है वाटर का, वाटर लेवल, तो वो इधर फ्लो करेगा ताकि दोनों का लेवल बराबर हो जाए, क्योंकि स्टेबिलिटी आ जाएगी। कोई भी लाइफ में भी अगर कोई पर्सन भी है तो स्टेबिलिटी को अटेंड करना चाहता है, वही सिस्टम यहाँ पे होता है। अगर मान लो तुम्हारा इन दोनों में अगर टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाए, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाए तो हमारा हीट का फ्लो होता है। हमेशा याद रखना टेम्परेचर जहाँ डिफरेंस आएगा वहाँ हीट फ्लो करेगा। तो तुम देखो अगर मान लो सिस्टम तुम्हारा हायर टेम्परेचर पे है और ये तुम्हारा लोअर टेम्परेचर पे है, तो हीट का फ्लो किधर से किधर को होगा, हायर टू लोअर होगा। ठीक है, अगर मान लो ये हायर टेम्परेचर पे है और ये लोअर टेम्परेचर पे है तो हायर टू लोअर होगा। अब तुम देखो साइन कन्वेंशन बताता हूँ तुम्हें, अगर तुम्हारा हीट अगर सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ चला जाएगा तो हीट को तुम क्यों माइनस क्यों से रिप्रेजेंट करोगे, और अगर तुम्हारा हीट सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आएगा तो उसको प्लस क्यों से रिप्रेजेंट करोगे। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास 10 रुपये हैं और आपके फ्रेंड के पास 20 रुपये हैं। ठीक है, तुम अपने फ्रेंड को तुम्हारा फ्रेंड अगर तुम्हारे पास 30 रुपये चलो तुम्हें ज़्यादा दे देते हैं, खुश हो जाओ, तुम्हारे पास 30 रुपये हैं, तुम्हारे फ्रेंड के पास 20 रुपये हैं, तो तुम अपने फ्रेंड को अगर मान लो 5 रुपये दे देते हो, अगर तुम अपने फ्रेंड को 5 रुपये दे देते हो तो दोनों के पास 25-25 रुपये हो जाएंगे। तो देखो अगर मैं पूछूं तुमसे तो तुम्हारे पैसे तो कम हो रहे हैं ना, तो तुम यहाँ पे माइनस में चले जा रहे हो, इसीलिए तुम माइनस क्यों से रिप्रेजेंट करना है इसको। देखो सिस्टम है, इसके पास हायर है, ज़्यादा पैसे हैं, ये अपना सराउंडिंग को दे देगा तो इसके पास तो पैसे कम हो जा रहा है ना, इसके पास जो हायर था टेम्परेचर वो टेम्परेचर कम हो रहा है, तो तुम इसको माइनस क्यों से रिप्रेजेंट करोगे, मतलब लॉस हुआ है सिस्टम का। और अगर तुम्हारे पास तुम्हारा फ्रेंड अगर तुम्हें 5 रुपये दे देता है तो तुम गेन में रहते हो, अगर तुम्हें हीट अगर सराउंडिंग से मिलती है तो तुम प्लस क्यों से रिप्रेजेंट करोगे। बस यही फंडा है, जो भी रेफरेंस होगा सिस्टम को लेके करना। अगर सिस्टम देता है तो सिस्टम माइनस में चला जाएगा, और सिस्टम अगर लेता है तो सिस्टम पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। तो फाइन कन्वेंशन हीट का पढ़ लिए हैं, वर्क का भी पढ़ लेते हैं, वर्क का फाइन कन्वेंशन पढ़ते हैं, वर्क को किस तरीके से किया जाता है। तो देखो वर्क डन 3 तरह का होता है, या तो मैकेनिकल वर्क डन हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो, या प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो। ठीक है, या पीवी वर्क हो, प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क जब भी होता है हमारा गैसियस सब्सटेंस में होता है, जब तुम्हारा प्रेशर का डिफरेंस हो, जब भी प्रेशर का डिफरेंस होगा तब तुम्हारा प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना गैसियस में होता है, प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। तो तुम सपोज करो तुम एक वाटर ले लिए हो, थर्मोफ्लास्क है तुम्हारा ये, जहाँ पे
कोई भी एक्सचेंज नहीं होता एनर्जी का मास का, क्योंकि ये तुम्हारा आइसोलेटेड सिस्टम है। तो तुम अगर इस पे पानी ले लेते हो, वाटर ले लेते हो, ठीक है, अगर तुम इसमें कोई पैडल डाल देते हो, जैसे इस तरीके का कोई अगर रोटेटिंग पैडल टाइप का डालते हो और ये रोटेट करता है, ये रोटेट करता है, तो वाटर का टेम्परेचर हाई होता है, वाटर की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। तो यहाँ पे एनर्जी जो बढ़ रही है वाटर की, वो किस लिए बढ़ रही है? ड्यू टू मैकेनिकल वर्क, ड्यू टू मैकेनिकल वर्क। और तुम अगर इस पे रॉड ले लेते हो, इलेक्ट्रिक रॉड ले लेते हो, पहले के घरों में क्या होता था, इलेक्ट्रिक रॉड होता था, अभी भी तुम हॉस्टल वगैरह में, पीजी वगैरह में रॉड को देखे होगे, रॉड का इस्तेमाल करते हुए देखे होगे। रॉड होता है पानी गर्म करने का, बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो तुम अगर इस रॉड से पानी गर्म करते हो तो हमारा वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है, वो हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी होगा, अगर गैसियस सब्सटेंस होगा तो गैसियस सब्सटेंस पे जो भी वर्क होगा वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा, ठीक है। ये बात आती है वर्क की। अब बात करते हैं फाइन कन्वेंशन की। अगर सिस्टम दिया हुआ है तुम्हारा और ये सराउंडिंग है, तो अगर सिस्टम अगर वर्क करता है सराउंडिंग पे, तो उसको माइनस डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर सराउंडिंग वर्क करता है सिस्टम पे, तो उसको प्लस डब्ल्यू पे वर्क किया जाता है। बताता हूँ, अगर तुम हो, अगर तुमसे काम करवाया जाए तो तुम्हारी एनर्जी खर्चा होगी, तुम्हारी एनर्जी कम होगी, तो तुम्हें माइनस डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। तुम जो भी बात होगी, तुम सिस्टम को लेके सोचना कि तुम वर्क करोगे तो तुम घटोगे, तुम्हारी एनर्जी कम होगी, तुम थक जाओगे, इसीलिए माइनस डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर तुम पे वर्क किया जाए तो प्लस डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करना, प्लस डब्ल्यू से। सिस्टम पे वर्क किया जाए तो प्लस डब्ल्यू, और अगर सिस्टम वर्क करता है तो माइनस डब्ल्यू। साइन कन्वेंशन की बात खत्म होती है यहाँ पे। तो ये पूरा पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन की बात आती है, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस चार तरह के होते हैं, एक लास्ट में एक और होता है वो भी बता दूंगा। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होता है, कोई भी ऑपरेशन करते हो तुम तो स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज करता है, उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस बोलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस ऑपरेशन एक तरह का है which brings change in the state of the system. State of system में change होता है, तो कुछ operation करते हैं जिसके वजह से state of the system change करता है, उसको हम लोग thermodynamics process बोलते हैं। चार तरह का होता है। पहला होता है isothermal process। नाम से पता चल रहा होगा, isothermal process मतलब temperature यहाँ पर constant है, delta T यहाँ पर zero है। आइसोथर्मल बहुत काम आएगा, कोई भी एंट्रेंस में पूछ लिया जाता है आइसोथर्मल में डेल्टा टी क्या होता है, तो जीरो होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइसोथर्मल मतलब तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट। दूसरा होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, क्यू जीरो होता है यहाँ पे, डेल्टा क्यू जीरो होता है, कोई भी एक्सचेंज नहीं होता हीट का। थर्ड प्रोसेस आता है हमारा आइसोकोरिक, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, डेल्टा वी कांस्टेंट होता है। फोर्थ प्रोसेस आता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, जिसको आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। तो देखो इसको याद करने का क्या तरीका है, आइसोथर्मल, थर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक और आइसोबारिक। तो आइसोबारिक तो तुम समझ सकते हो, प्रेशर का यूनिट होता है बार, तो आइसोबारिक, बार मतलब प्रेशर, तो वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ेंगे जहाँ पे हम लोग नो एक्सचेंज ऑफ हीट, डेल्टा क्यू जीरो, तो ये हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। और आइसोकोरिक याद रख लेना, आइसोबारिक जब तुम्हारा डेल्टा पी जीरो है तो आइसोकोरिक डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। एक ग्राफ प्लॉट होता है, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है प्रेशर वॉल्यूम के बीच में, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में चारों प्रोसेस को हम लोग दिखाते हैं तो एक ग्राफ प्लॉट होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब ये तुम्हारा आइसोबारिक है, ये आइसोबारिक प्रोसेस को डिनोट कर रहा है। इस तरीके से देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये तुम्हारा ये वाली जो लाइन है ये तुम्हारी आइसोकोरिक होगी, ये आइसोकोरिक को रिप्रेजेंट कर रहा है ये तुम्हारा। और एक ग्राफ और बनता है ये,
ठीक है। अब इसमें ये बताओ, इसमें से तुम्हारा आइसो एडियाबेटिक और आइसो थर्मल इन दोनों में से कौन सा होगा, तो वो डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ग्राफ एडियाबेटिक का ग्राफ थोड़ा नीचे आता है, ये हमारा आइसो थर्मल होता है, ये एडियाबेटिक होता है। तो ये कॉम्पिटिटिव पेपर में पूछ लिया जाता है कि एडियाबेटिक का ग्राफ जो नीचे आ रहा है ये कौन सा ग्राफ है, तो ये एडियाबेटिक होता है। इसका एक रीजन आता है, वो मैं बाद में बताऊंगा कि इसका ग्राफ ज़्यादा स्टिप क्यों होता है। ठीक है, तो ये पूरा है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस का। एक और प्रोसेस आता है वो भी बता देता हूँ, जिसको हम लोग साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, साइक्लिक ई नंबर भी लिख लीजिएगा, साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि हमारा कोई भी प्रोसेस आफ्टर कंप्लीटिंग इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स रीचेस टू इनिशियल स्टेट। सपोज कीजिए आप अभी यहाँ पे हो, ठीक है, आप अभी यहाँ पे हो, आप बहुत सारा स्टेप कंप्लीट करके वापस अगर अपने फाइनल स्टेट पे आ जाते हो, तो ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस होता है। एक साइक्लिक प्रोसेस तो समझ में आ रहा है, साइकिल की तरह चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है। तो इस प्रोसेस पे क्या होता है, इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी दोनों कांस्टेंट हो जाती है, जीरो होती है। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू और डेल्टा एच जीरो होता है, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट पे डिपेंड करता है। तुम अगर जहाँ से स्टार्ट किए हो वहीं पे पहुँच जाएगा तो डेल्टा यू और डेल्टा एच दोनों जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, इसीलिए साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू और एच दोनों जीरो होते हैं। ठीक है, ये बात होती है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की, ख़त्म होते हैं पूरा। अब हम लोग एक इक्वेशन पढ़ेंगे, प्रेशर वॉल्यूम वर्क्स का जो इक्वेशन होता है वो पढ़ेंगे, बट वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स आते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। जब मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था तो मैंने आप लोग को बताया था, मैंने दोनों का डिफरेंस आप लोगों को बताया था, बट वहाँ पे मैंने उतना ही बताया था जितना आप लोग को ज़रूरत थी, इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। अभी मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊँगा विथ रिस्पेक्ट टू थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप दोनों को इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को बताऊँगा। पहले टाइम देख लेता हूँ कितना हुआ, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को बता दूँ, छोटा सा डिफरेंस है। अच्छा चलिए मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। देखो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर सपोज कीजिए कि आप कोई बीकर लिए हो, अगर आप यहाँ पर कोई गैस रखे हुए हो और ऊपर से एक इस तरीके का कैप या कोई ढक्कन टाइप का ऐसे करके लगा रहे हो, ठीक है, इसको पकड़ने के लिए, यहाँ पे वॉल्यूम V1 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर तुम इसको बहुत धीरे 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 उठा रहे हो, बहुत धीरे धीरे एक तरफ उठा रहे हो, तो वॉल्यूम हमारा V2 हो जा रहा है। ठीक है, तो तुम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिवर्सिबल पाथ फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात मैं बोलूँ तो जो तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स है और अपोजिंग फोर्स है, देखो नीचे से अपोजिंग फोर्स है, ऊपर से ड्राइविंग फोर्स है, तो इन दोनों का डिफरेंस बहुत ही स्मॉल है। मतलब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स तुम्हारा डिफरेंस बहुत ही स्मॉल है, दोनों के बीच में बहुत स्मॉल डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं तुमसे बात करता हूँ तो ये इन्फिनाइट टाइम लेता है कंप्लीट होने के लिए। देखो बहुत टाइम लेगा, अगर तुम इसको धीरे 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 उठाओगे तो ये बहुत टाइम लेगा, मतलब इन्फिनाइट टाइम लगता है कंप्लीट होने में। अगर मैं तुमसे बात करता हूँ तो और कुछ बात करूँ तो मैं तुमसे बोल सकता हूँ कि ये बहुत नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है, काफ़ी ज़्यादा स्टेप में होगा, तो सो मेनी स्टेप्स और नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज़्यादा होता है। एक तरफ से बात करता हूँ तो ये हमारा, और मैं तुमसे क्या बात करूँ तो रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में इतना ही है कि अच्छा एक बात और कि इक्विलिब्रियम हमारा हर एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होता है, कि तुम कभी भी इक्विलिब्रियम, मान लो ये सिस्टम है हमारा और ये सराउंडिंग है, ठीक है, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश रहता है। मतलब तुम कभी भी सिस्टम को भी अटेंड कर सकते हो, सराउंडिंग को भी अटेंड कर सकते हो, मतलब हर एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट, इक्विलिब्रियम
एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। अगर मैं बात करता हूँ सेम केस की बात करता हूँ, गैस है तुम्हारा और ये सराउंडिंग है और ये सिस्टम है तुम्हारा, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ और तुम यहाँ पे सेम उसी तरीके से एक इस तरीके के ले लो, वॉल्यूम V1 है। अब इसमें क्या करते हो तुम, एक ही बार में इसको हटा देते हो तो गैस तुम्हारा V2 पे आ जाता है, मतलब सडनली तुम इसको हटाते हो कैप को तो वॉल्यूम तुम्हारा V2 को आ जाता है। तो देखना इधर से इरिवर्सिबल पाथ फॉलो होगा, कभी भी तुम फिर वापस इसको गेन नहीं कर पाओगे, कंडीशन चेंज हो जाएगी। ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच में डिफरेंस बहुत लार्ज होगा, लार्जर डिफरेंस होगा, ठीक है। अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स के बीच में डिफरेंस कितना ज़्यादा होगा आप लोग देखिए, अगर ये तुम अचानक से खींच लोगे तो अपोजिंग फोर्स तो बहुत छोटा हो जाएगा, ड्राइविंग फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो डिफरेंस दोनों के बीच में लार्जर होगा। इनफिनाइट टाइम की जगह यहाँ डेफिनेट टाइम लगेगा, तुरंत हटा दोगे तो कितने जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, तुरंत पहुंच जाओगे तो डेफिनेट टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सो मेनी स्टेप्स, यहाँ पे स्टेप्स कम हो जाएंगे, एक ही स्टेप में हो जाएगा रिएक्शन, एक ही बार में खींच दोगे तो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट, यहाँ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट इनिशियल और नहीं, इक्विलिब्रियम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यहाँ पे, इक्विलिब्रियम यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तुम्हारा एवरी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो इक्विलिब्रियम। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया इक्विलिब्रियम में कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम होने के लिए कंडीशन ही है कि रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल हो। तो ये दोनों डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, अगला लेक्चर यहीं से कंटिन्यू करूंगा कल में, जिसमें मैंने प्रेशर वॉल्यूम वर्क का इक्वेशन वगैरह मैं बताऊंगा आप लोगों को। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।